हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं आपका चिन एकदम ठीक हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ और आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज व्लॉग की शुरुआत मेरे रूम से हो रही है, ट्रैक से नहीं हो रही है। एक्चुअली आज मतलब मॉर्निंग में मैंने बहुत सारा शूट किया नहीं था, तो मुझे लगा भी नहीं वो डालने लायक कि मैं कुछ उससे का डालूँ व्लॉग। वो एकदम नॉर्मल सा था, कुछ भी नहीं था उसमें, और शिवांश अंश वगैरह भी सब बाहर चले गए, तो आधी सी टीम ही कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ते हैं, और वैसे भी वो बच्चे थोड़ा सीरियस नहीं ले रहे थे मुझे, तो मैंने मोबाइल साइड में रखा और सिर्फ ट्रेनिंग वगैरह पे ही ज़्यादा ध्यान दिया, बात कर ही नहीं पाया बिल्कुल भी। तो फिर मैंने शूट भी नहीं किया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज घर से बात करते हैं और कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। तो मैंने क्या किया कि मेरी ट्रेनिंग के टाइम की, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, अभी तो फिलहाल मैं कर ही नहीं रहा हूँ, तो तब की टॉप 25 फोटोज़ मैंने निकाली, जिसके बारे में स्टोरीज़ है, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ वगैरह, मतलब उनके बारे में मेमोरीज़ है, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा, उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो मैंने कुछ कुछ फोटोज़ उनमें से डिसाइड किए जो जो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो जो फर्स्ट फोटो है वो है, फर्स्ट शुरू करता हूं जब मैं इनलाइन से भी पहले, मतलब जब मैं क्वाड में था तब। तो ये मेरी फर्स्ट फोटो है, इसके अंदर क्वाड स्केट है और ये नीचे मेरे घुटने छिले हुए हैं। एक्चुअली मैं पहले क्वाड स्केटिंग करता था, तो रोड पर स्केटिंग कर रहा था, ठंड था शायद अक्टूबर नवम्बर के बाद टाइम, मतलब इसी टाइम की बात है ये। तो मैं स्केटिंग कर रहा था और गिरते करते करते एकदम से कंकड़ आ गया और मैं वहीं पे गिर गया और मेरे पूरे घुटने छिल गए, टाइटी थी वो फट गई। ये जो मेरे ग्रीन कलर के स्टड्स लगे हुए हैं, ये मेरे स्केट हुआ करते थे पहले जब मैं क्वाड पे था। तो ये मेरी फोटो है जिसमें घुटने पूरे छिले हुए हैं, ये बहुत गंदी गहरी चोट लगी थी, इसमें मेरा पूरा घुटना छिल गया था। कम से कम मैं 2 महीने तक तो उठ ही नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा बहुत गहरी चोट थी, इसमें दिख नहीं रहा इतना ज़्यादा पर बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो मेमोरी की शुरुआत ही थोड़ी खट्टी सी हुई है मेरी। तो ये हो गई एक, ये थी 2020 की लॉकडाउन टाइम की। तो उस टाइम पे क्या होता था कि चैलेंजेस आते थे काफ़ी सारे, एक मिनट, उस टाइम पे काफ़ी सारे चैलेंजेस हुआ करते थे। तो जैसे प्लैंक का चैलेंज हो गया, पुशअप्स का चैलेंज हो गया, ऑनलाइन चैलेंज चला करते थे। तो एक चैलेंज था उसके अंदर है ना प्लैंक करनी थी, पता नहीं कितने मिनट मैंने करी थी, तो मैंने वो मतलब वीडियो बना के उनको सेंड करना होता है, तो फिर वो विनर चूज़ करते हैं, फिर उन विनर जो जो विनर होते हैं उनको ऐसे टाइम दिखाना होता था। तो ये तब की फ़ोटो है, तो मैं शायद सेकंड पे मैंने फिनिश किया था। तो ये तब की फ़ोटो है और ये है, ये भी 2018 की है, या ये जो ब्लू सी टी शर्ट में, इस टाइम पे मैं बहुत कुछ जानता नहीं था, मैं सीख रहा था, लोगों से सीख रहा था। तो आप देखो लेंजेस भी मुझे प्रॉपर लगाने नहीं आते थे, तो काफ़ी लोग बोलते कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास लिखा समझाने के लिए लोग नहीं है, कोच नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको प्रिपेयर करना होता है, जैसा भी मिले, जो भी मिले, जितना भी रिसोर्सेज मिले। मैंने भी लोगों को देख देख के सीखा, ऑनलाइन सीखा, यूट्यूब वगैरह पे सीखा, लोगों से पूछा, देखा, ऑब्जर्व करा, ऐसे सीखा। तो ये तब की, ये तब मैं वेट्स लगाता था, मुझे लगता था कि मैं वेट्स पहन लूँगा पैरों में तो और पावर आ जाएगी, जबकि मैं था सूखड़ी हड्डी से उस टाइम पे। तो ये तब की फ़ोटो है, एकदम सूखड़ी सा था मैं, और मैं जब सीख रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था, बहुत ज़्यादा मेरे को टाइम हुआ नहीं था स्केटिंग करते हुए। और ये तब की फ़ोटो है, तो मैं लंजेस कर रहा हूँ इसमें, पता नहीं मैं क्यों ही कर रहा हूँ ऐसे, पर हाँ ये मैं ही हूँ। ये फोटो है आनू की, आनू भाई साहब, ये SGFI की ड्रेस हुई थी, ये भी उसी टाइम की फ़ोटो है, 2018-19 या 20 के आसपास की फ़ोटो है ये आनू की, तब ये SGFI की ड्रेस, ये मेरे को बड़ी सुंदर लगती थी ये ड्रेस, ये सुंदर थी राजस्थान की ड्रेस। और ये थी भाई साहब हमारी पुरानी ड्रेस राजस्थान की, जो ऑरेंज में है, ये मुझे राजस्थान की अभी से और इससे पहले वाली ड्रेस तो अच्छी लगती है, ये अच्छी ड्रेस थी, एकदम अटैकिंग सी ड्रेस लगती थी, एकदम डोमिनेटिंग सी, तो ये मुझे अच्छी लगती थी। इससे पहले भी एक ड्रेस हुआ करती थी, वो थी ग्रीन और येलो कलर की, ऐसा लगता था बैंटन की ड्रेस है। राजस्थान की कभी भी ड्रेस स्किन सूट कभी भी अच्छे नहीं लगे मुझे, ये वाला फिर भी मुझे पसंद था, इसको मैं बहुत पहनता था, ये मेरा फेवरेट था। और ये मेरा स्क्वाड है, इसके अंदर हर्ष दिख रहा है जो हेलमेट में, जो अभी जयपुर में स्केटिंग भी सिखाता है, और एक है अनिकेत है, एक राहिल है। तो ये हमारे स्क्वाड हुआ करता था, तब हम लॉन्ग स्केटिंग किया करते थे, हमने पता नहीं शायद 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर की होगी, उसके बाद की ये वहीं की है जगतपुरा, जहाँ स्टेट चैम्पियनशिप होने वाली है उसके आसपास की फ़ोटो है ये। तो तब मैं ऐसे हुआ करता था एकदम छपरी टाइप से। तो ये तब की है, और ये 2019 की है, जब मैंने इनलाइन पे आके फर्स्ट कैंप किया था, ये फर्स्ट कैंप मैंने किया था हरियाणा में, यहाँ पे जो रवासी सर है जो राजस्थान में भी अब आते हैं काफ़ी बार, कंडक्ट करवाती है ऐसे भाई, तो यहाँ भी आते हैं, तो मैंने वहाँ कैंप इनका अटेंड किया था, मैं वहाँ गया था हरियाणा में, ये मेरा फर्स्ट कैंप था।
तो वहाँ पे मैं आरके सर, जो रवि खाती सर है, उनके अंडर में मैंने कैम्प किया था, तो रवासी सर वहाँ आए थे सिखाने। इसी वजह से मैं कभी भी राजस्थान में रवासी सर आते मैं कभी नहीं आता, क्योंकि वो यार इंडिया टीम को ट्रेन कर रहे हैं, उनके उनको एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड क्लास टीम ट्रेन कर रहे हैं, तो वो बैंड ट्रैक पे ट्रेन करते हैं, और यहाँ हम बुला के उनको रिंग पे भगवाते हैं, रिंग पे ट्रेनिंग करवाने की कोशिश करते हैं। तो जो बंदा इतना बड़ा ट्रैक यूज करता है, वो इतनी सी रिंग पे क्या ही सिखाएगा, तो वो भी अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पे जाके सिखा नहीं पाते, जो उनको आता है वो सिखा ही नहीं पाते, रिंग पे क्या सिखाएगा वो बंदा। तो ये तो वही बात हो गई ना कि बुलेट देके और फिर घर की गलियों में चलवा रहे हैं, ऐसे करेगा आदमी ड्राइव, वो वाली बात है। तो इसलिए मैं कभी भी यहाँ आता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो यहाँ सिखा ही नहीं पाएंगे, जो वो जानते हैं, जो इतना उनको पता है, इतना तो फिर सभी कर लेंगे। तो कभी अगर रोड ट्रेनिंग करें तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, बाकी ट्रैक हो तो बेस्ट, इनसे मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने तो बहुत सारी चीजें सीखी थी उस टाइम पे। और ये है 2000, इस पे डेट तो मुझे दिख नहीं रही, इस टाइम पे मैं लॉन्ग करता था पहले, राजस्थान में शायद सबसे पहले मैं ही था जो 42 किलोमीटर किया करता था इनिशियल डेज में, मैं लॉन्ग ही किया करता था उस टाइम, मैराथन प्रिपेयर किया करता था। तो फिर मैं उसमें शिफ्ट हो रहा था, मतलब कैटेगरी मेरे इवेंट चेंज कर रहा था, लॉन्ग से शॉर्ट में जा रहा था, क्योंकि मुझे सजेस्ट किया था किसी ने कि लॉन्ग में पार पड़ेगी नहीं, अकेला है तो उसमें शिफ्ट हो जा। तो उस टाइम पे मैं शॉर्ट में जब गया, तो मैंने एथलेटिक्स की एक टीम थी जो स्पेशली 100 मीटर 200 मीटर भागा करते थे, तो उनके साथ ही मैं ट्रेनिंग करता था ताकि मेरी एक्सप्लोसिवनेस सुधर जाए, मेरी स्प्रिंट सुधर जाए, और मैंने वहां से बहुत सीखा, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत सीखा, बहुत अच्छा सीखा। तो ये एक अच्छी चीज है जो ध्यान रखनी चाहिए। ये फोटो है जब मैं लॉन्ग किया करता था इनिशियल डेज की, इन लाइन पे जब मैं शिफ्ट हुआ था। तो जो कहते हैं ना कि हमारे इक्विपमेंट ऐसे हैं, हमारे एंकल वैसे हो जाते हैं, तो तुम खुद मुझे देखो, येलो कलर के कैप्रिकॉन बूट है मेरे पास, मैं इस पे भागता था, और कोई कंप्लेंट नहीं थी, ठीक है, अब जो भी हमको ना तो पता, एक्चुअली बात ये थी, पता ही नहीं था कि कुछ अच्छा भी होता है, तो हमारे लिए तो ये था जो था। तो मैं तो इन पे भी कंफर्टेबल था, और इन पे भी काफी मैंने ट्रेनिंग करी और मस्त करी है, खूब करी है, इन पहले इन्हीं पे बहुत रगड़ाई खुद को, एंकल स्टिल खराब थे मेरे, पर इतने भी नहीं थे, मैंने इन पे भी खूब ट्रेनिंग करी है, जैसे भी जो मिला इक्विपमेंट उस पे करी, जो रिसोर्सेज मिले करी, कंप्लेंट नहीं करी कि ये नहीं है वो नहीं है। अब ये एक फोटो देखो जिसके अंदर मैं ड्रिल कर रहा हूँ, पूरा पॉस्चर खराब है, अब मैं देखता तो लगता है कि मैं कितनी गड़बड़ी करता था, पर वो ये ना है कि धीरे धीरे लर्न करते रहते, आगे बढ़ते रहते, अब करोगे ही नहीं तो सीखोगे भी नहीं। मैं जैसे भी करता मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छी कर रहा हूँ, अब देख के लगता है कि फॉर्म मेरी खराब है, पर स्टिल मैं करता था, मैं ऑब्जर्व करता था, चीज़ें सीखता था, बस टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा मुझे सीखने में, क्योंकि पहले ऑब्जर्व बहुत सारी चीज़ें करी, और अब तो फायदा है भाई, तुमको सामने बैठ के सिखा दे रहा है बंदा, तब तो मौज उड़ाओ तुम, ये सारी चीजें वो जो लर्निंग फेज था ना वो मैंने कर लिया, अब सीधा तुम जाके फोड़ो, ठीक है। अब इसके बाद ये आ गए 2020 की, जब मैं इसमें किया करता था, ये है जगतपुरा की महंगी फोटो है, तो मेरी टीम हुआ करती थी पहले, एक दूसरी टीम थी उनके साथ मैं ट्रेनिंग करता था, ये तब की फोटो, ये स्क्रीन शॉट मेरे को बहुत प्यारा लगता था, मैंने एक ही बार फुल स्लीव का स्क्रीन शॉट लिया था, बहुत सुंदर लगता था मेरे को स्क्रीन शॉट। तो ये जो कड़ा मैंने पहन रखा है हाथ में, एक बार मैं पहले कड़ा पहना करता था, बहुत हैवी कड़ा था, तो उसको पहन के मैं ट्रेनिंग किया करता था, हमेशा ही पहन के रखता था। तो एक बार हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो शिवांश मतलब स्टार्ट लिया, तो शिवांश के यूं पड़ गई मुंह पे, तो वो लड़का वहीं पे घूम के गिर गया, तो उसके बाद से मैंने कड़ा कभी नहीं पहना मेरी लाइफ में, क्योंकि बहुत गंदी लगी थी उसके। और एक दो बार पहले भी तो मोहित मेरे साथ करता था, हम बीकानेर गए थे स्टेट चैंपियनशिप में, उससे उस टाइम पे उसके लग गई थी उस कड़े से, तो रेस के टाइम पे तो मैं खोल देता था, बट ट्रेनिंग में नहीं खोलता था, तो ये बड़ा रिस्की हो जाता था। तो फिर मैंने बीकानेर के बाद तो इसको उतार ही दिया था। अब ये फोटो है बीकानेर स्टेट्स की, अब यहाँ देखो कलाकारी क्या हुई भाई साहब, हम भागे, एक ही तो रेस थी 500 मीटर, उसके अंदर ये हर्ष के पास मैं हूँ, तो मेरे गोल्ड लगा था, हर्ष के इस साइड में शिवा में, इसके ये मेरी रेस में था, इसके सिल्वर लगा था, और जो उस साइड है वो है प्रिंस, इसका गोल्ड लगा था, मोहित की उस टाइम पे कोई मेडल नहीं लगा था, और इस साइड भी एक और प्रिंस है, इसका भी कोई मेडल नहीं लगा था, मेरा गोल्ड था, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ नेशनल के लिए, बोला कि टाइम नहीं है आपका। इतनी सी रिंग है बीकानेर की, लिटरली दीवारों के भिड़ भिड़ के हमने रेस कंप्लीट करी, हम गिरते गिरते बचे, और गोल्ड आ गया, फिर भी कहते हैं आपका टाइम ही नहीं आया। अब बैंड ट्रैक का टाइम इतनी सी रिंग पे निकाल के बोलते हैं कि यहाँ निकाल के दो, वो टाइम कैसे निकालेंगे, हमारा सिलेक्शन नहीं किया भाई, एक ही रेस करवाई, उसमें भी गोल्ड आने के बावजूद भी हमारा सिलेक्शन हुआ, हमारे हम सारों में से सिर्फ जो इधर प्रिंस है, येलो हेलमेट है, जिसके पास गोल्ड है, सिर्फ उसका सिलेक्शन होता है, वो क्वाड में था, उसका पता नहीं कैसे टाइम आ गया, तो उसका उसने उन्होंने सिलेक्शन किया कि हाँ ये लड़का जाएगा, तो हमने बोला ठीक है। अब एक फोटो है ये ग्रुप की, इसमें मैं जमीन पर बैठा हूँ, तो ये तब की जब मैं लॉन्ग किया करता था, लॉन्ग स्केटिंग किया करता था, तो ये मेरी टीम थी, इनके साथ मैं प्रैक्टिस करता था पहले, ये भी जगतपुरा की है, तो वहाँ पे हम लोग करते थे लॉन्ग की तैयारी।
ये फोटो है पंजाब की, तो ये सामने जो है ये जाह्नवी काडू है, ये इंडिया रिप्रेजेंट करती है, इंडिया की तरफ से खेलती है, फिर मैं हूँ, फिर जो ये पीछे है जो जस्ट मेरे पीछे, ये इतना खुराफाती बंदा है, ये अब तक का मेरा बेस्ट जूनियर है, मतलब मेरी टीम में इससे अच्छा बंदा मेरे को कभी कोई नहीं मिला। बेस्टेस्ट बंदा था ये, मतलब कॉमेडी देख लो, उसके ह्यूमर देख लो, स्केटिंग करता था ठीक ठाक करता था, पर जो इसका ह्यूमर था ना, इंसान बहुत मस्त था ये। इसके साथ तो इतना गंदा इंसिडेंट हुआ था, हम लोग पंजाब जा रहे थे और ये ट्रेन में चढ़ नहीं पाया था और ट्रेन से गिर गया था भाई साहब। मैं चढ़ गया, मोहित भी नहीं चढ़ा, ये भी नहीं चढ़ा, सिर्फ मैं चढ़ गया। फिर मैं आगे अगला स्टेशन आया कम से कम 50-60 किलोमीटर दूर, वहां मैं उतरा, वापस जयपुर आया अगले दिन। वहां पे मेरी नानी थी तो मैं बच गया, वरना मैं रात को वापस आना पड़ता। तो वहां नानी के गया, सुबह वापस नानी के से जयपुर आया, जयपुर से फिर बस से हम लोग गए। ये बंदा उस दिन ट्रेन के नीचे आ जाता, उसका भी बहुत तगड़ा किस्सा है। और यह जब हम पंजाब में थे तो ऐसे स्नैप बना रहे थे, क्योंकि हम ऑलमोस्ट सभी गिरे हुए थे, तो सबके घुटने छिले हुए हैं और ये मेरा घुटना पूरा छिला पड़ा है, मतलब सभी हमारे चलते थे, ये पंजाब के बंदा था, इसके तो हाथ वाथ सब छिले पड़े हुए। ये भी मस्त आया, दिल खुश, ये मोहित था ही, इसके भी घुटने छिले हुए थे। और ये फोटो है जोधपुर की, जो मैंने लास्ट रैंकिंग टूर्नामेंट खेला था, जिसमें मैंने 100 मीटर का टाइम भी क्लॉक किया था, उस टाइम पे शिवांश को देखो कितना से था। ये अभी स्केट में नहीं है, स्केट में नहीं था उस टाइम पे, ये मैं स्केट पे था स्टिल, ये मेरे जब कान पे आता था, बहुत छोटा था, इसकी हाइट पिछले पिछले साल तक भी बहुत कम थी इसकी हाइट, मतलब एक एक डेढ़ साल में इसकी हाइट बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, वरना ऐसा था गुट्टा सा गाटा सा। ये देखो ये जोधपुर के, जोधपुर स्टेट्स की, जब मेरी इंजरी हो गई थी मैं फिर भी खेलने चले गया था, ये तब की है, तब तक भी शिवांश मेरे कान पे आता था, और अब इसकी हाइट इतनी सुंदर हो गई, अब तो मस्त हो गया, अब तो मेरे से भी लंबा हो गया। तो ये जोधपुर स्टेट्स की, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक करी थी मैंने, इसमें खेल के इतने इंजरीज के बाद भी मैं खेलने गया और उसका नतीजा बहुत ही बुरा भुगत रहा हूँ, पर ठीक है, ये मस्ट स्टेट था, इसमें मेरे एक सिल्वर आया था, पर फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया था नेशनल्स के लिए, पर मैं जा ही नहीं पाया था, मेरे बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई थी, फिर हर्ष गया था मेरी जगह, मैं थर्ड पे सेलेक्ट हुआ था पर फिर मैं गया नहीं था, तो हर्ष गया था मेरी जगह। शिवांश के यहाँ भी दोनों गोल्ड थे, मोहित के सिल्वर, मेरे सिल्वर और हर्ष के, पता हाँ सिल्वर था और एक साथ गोल्ड ब्रॉन्ज जो भी था। और ये फोटो है दिल्ली की, ये दिल्ली कैंप करने गए थे हम राहुल कौश सर के पास, तो ये तब की फोटो है, तब मैं बड़ा स्लिम सा था तब भी, मस्त ये मैं था और एक जो लास्ट सेकंड है इधर से, ये था तनिष्क, तनिष्क गोयल, तो हम दोनों गए थे राजस्थान से उनके पास कैंप करने। और ये बाकी सब, ये विकास है, ये नीलाभ है, और भी सारे बंदे हैं, तगड़े तगड़े बंदे हैं, तो ये सब थे। अब ये फोटो है जो वाइट टी शर्ट में कैप लगा के, ये है लॉकडाउन टाइम की, लॉकडाउन टाइम पे मैंने ब्रेक नहीं लिया था, हमारे यहाँ पे आइसोलेशन हो रखा था, सब पैक था, गली से कभी बाहर निकलता ही नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, मैं मेरा एक दोस्त था, वो हम छत पे, वो पास में रहता था, तो हम छत पे आके ट्रेनिंग करते थे, ड्रिल्स वगैरह लगाना हुआ, कोर हुई, प्लैंक हुई, मतलब जो भी घर पे कर सकते थे करते थे, फालतू नहीं बैठा रहता था मैं, कुछ ना कुछ करना, रेगुलर बेसिस पे करना, प्रैक्टिस करता था मैं उस टाइम पे भी, कैसे भी करूं पर करता था। और ये है मेरा फर्स्ट जो स्किन सूट मैंने डिजाइन किया था टीम के लिए स्केट्स पॉइंट के, जब मैं वहां करता था, ये मेरा बॉन्ड का शूज है, ये मेरा हेलमेट बड़ा सुंदर लगता था मुझे रेड वाला, ये अब जानवी के पास था, मतलब लास्ट टाइम मैंने जानवी को दे दिया था हम जब पंजाब में थे तब, तो ये टीम थी और ये स्किन सूट मैंने डिजाइन किया था। स्किन सूट सारे मैं शुरुआत से खुद ही डिजाइन करता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे खुद के स्किन सूट ये अच्छे लगते हैं, ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ मैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं खुद से डिजाइन करता हूँ। तो ये तब का है, इस टाइम पे हम लोग जमा सर्किल पे पता नहीं किसी कंपटीशन के लिए रिंग की प्रैक्टिस करने जाते थे, तो तब की फोटो है जो ये अनिकेत ने जो ब्लू कलर का स्केट पहन रखा है, ये स्केट भी मैंने बहुत चलाया है, क्योंकि मेरा इससे जो बॉन्ड है, इससे पहले मैं इसी को यूज कर रहा था, वो बूट तो मैंने लोकल वाले भी खूब सारे यूज करे हैं, बहुत सारे बूट मैंने चलाए हैं और यूज करे हैं। और भाई साहब ये फोटो है जब मैं 100 मीटर किया करता था, इनिशियली गया था, एकदम सुकड़ा सा था, एब्स एब्स निकल रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ की फोटो है मुझे ध्यान नहीं है, पर ये मतलब धूप निकल गई थी, अच्छी गर्मी पड़ रही थी बहुत ज़्यादा, तभी शायद मोहित ने क्लिक करी थी मेरी फोटो, पुरानी फोटो है ये भी, इसमें भी एकदम ऐसे आड़ू से हो रहा था, हम लोग ट्रेनिंग करके खत्म किया था, मेरे साथ वॉमिट जैसा मन हो रहा था मेरा, तो तब उसने मोहित ने क्लिक कर ली थी, मैं ऐसे हो गया था भाई मेरे को छोड़ के आ दो। ये तब की फोटो है, ये फोटो, ये जो वीडियो है ना, ये इंटरेस्टिंग वीडियो, ये है पंजाब की। इस टाइम पे क्या हुआ कि हम लोग है ना, हमको हमारी हंसी के बारे पहले तो तुम वीडियो देखो, हंस हंस के हमारा पेट दुख गया है। ये सचिन भैया थे, इनके इंटर में मैं पंजाब में ट्रेनिंग कर रहा था और मैं इनसे बोल रहा था कि इसमें चीनी डलवा दो। एक्चुअली हुआ क्या कि हम लोग है ना इलांटे मॉल घूमने गए हुए थे पंजाब में, जो है चंडीगढ़ में,
क्योंकि वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे, हमको एक ही दिन मिला था पूरी ट्रेनिंग में घूमने का। तो सचिन भैया बोले कि तुमको मैं इलांटे मोल घुमा के, इलांटे ही नाम है शायद ऐसे उसे, कि मैं घुमा के लेके आता हूँ। तो हम चले गए। अब स्टारबक्स में पहले कभी गया नहीं था, वो मौका भी लग गया वहाँ, सबने बोला कि चलो चलते हैं स्टारबक्स की कॉफी भी कहेंगे। तो मैं ठीक है चलो भाई, अब चले गए। कॉफी वैसे हमने काफी पी है, पर हमको ऐसा था कि भाई इतना रुपया ले रहा है तो कुछ तो तगड़ा सा करके देगा, एक्सपीरियंस तो ठीक है पर कुछ तो अच्छा सा होगा उस कॉफी में। तो हमने 250, 300 या 400 रुपए की जो भी वो कॉफी थी वो ऑर्डर कर दी, और हम ऐसे उसमें थे कि यार ये कॉफी तो एकदम मस्त ही होगी, इसको जैसे हमारे गुलाब जी है उसकी उसकी चाय बोलते हैं, एक नंबर आती है, वो सच में होती है। तो हमको लगा कुछ तो शानदार सा देगा। अब उसने हम काफी सारा तो हमने वेट किया, अब वो कॉफी भी आ गई। अब हमने जैसे उसको पिया ना, पहली सिप ली और सारे हम ऐसे एक्साइटेड थे कि यार मजा आ जाएंगे, और पहली सिप ली तो हम, मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, वो मेरी शक्ल देख रहा है, वो उसकी शक्ल देख रहा है, और जैसे हमने वापस उसको कप को नीचे रखा, हमारी हंसी नहीं रुकी, हम हंस हंस के पेट दुखी। और वहीं पे वही लड़का था, वो जो मैं बोल रहा था ह्यूमर वाला, वो तो वो कह रहा ऐसे कर रहा, उल्टियाँ करने का मन कर रहा, तो हमारी हंसी के हमारे पेट दर्द कर गया वहाँ, इतना ज़्यादा हंस रहे। और मैं कह रहा भाई इसमें चीनी डाल देगा तो पी लूंगा वरना फेंकनी पड़ेगी। तो हम ऐसे कि यार इतना पैसा खर्च किया इतनी दूर आके और इतनी वाहियत कॉफी थी कि हमसे पी भी नहीं, क्योंकि हम पीते नहीं थे उस टाइम, तो ब्लैक कॉफी भी नहीं पीते थे कि कड़वी कॉफी पी ले, हमसे पी ही नहीं गई थी लिटरली। हम पता है इसको क्या गिरा है, घर लेके आए, इसमें शुगर डाला, वापस घर करी और फिर पिए हमने फेंकी नहीं यार, इतनी महंगी कॉफी ली थी हमने। तो ऐसे करके इसको खत्म करी। एक ये वीडियो है जिसके अंदर मैं ड्रिल परफॉर्म कर रहा हूँ अपने एंकल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एजेस पे ध्यान देने के लिए, आउटरीच जाने के लिए। तो ये मैं शुरुआत से, जब मुझे मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, मैं अकेला भी करता था तो भी मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करता था चीज़ों पे कि मैं ऐसे ना करूँ वैसे ना करूँ, हर चीज़ प्रॉपर हो, मैं एजेस सही करके चलूँ। तो मुझे कोई नहीं भी समझाता था तो भी मैं करता था। और ये जैकेट देख लो, वही जो मैंने आज पहन रखी, ये मेरी बहुत फेवरेट जैकेट है, मुझे बड़ी पसंद है ये जैकेट, तो मैं इसको हमेशा पहनता रहता हूँ, ये मुझे सुंदर लगती है शुरुआत से ही। तो अब ठंडा वापस आ गया तो मैंने आज के लिए इसको निकाल लिया, तो मुझे बड़ी सुंदर लगती है ये जैकेट। तो ये तब की है जब ठंड का टाइम था, तो मैं, मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई थी तो मैं बस आउटर रेस पे जाने की कोशिश करता था, तब मुझे पता नहीं था कि कैसे आते हैं, तो मैं बस ऐसे ही कहीं देखा था तो उसको देख के मैं परफॉर्म करता था। और ये भाई मैं फ्लेक्स मार रहा हूँ, इसमें मैंने मेरे लेग्स की फोटो डाली है जिसके अंदर मेरी नर्व्स दिख रही थी बहुत सारी, तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई नर्व्स दिख रही है मतलब मैं बड़ी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं एकदम हार्डकोर बंदा बन गया और मेरे में बड़ी पावर है, कुपोषित सा था पर मुझे लगता था कि मेरे में बड़ी पावर है और मैं ही मेहनत कर रहा हूँ इसलिए मेरी इतनी सारी नसें दिख रही है। अब इतनी समझती है, जितनी समझती उतना काम कर लेते हैं। तो आई गेस 25 फोटोज कंप्लीट हो गई। तो ये सब थी यार कुछ कुछ यादें मेरी, तो मैंने सोचा कि आज कुछ नहीं है तो चलो ये दिखाते हैं, तो खुद की भी यादें ताज़ा हो जाएगी। तो ऐसा है यार, देखो मेहनत करनी पड़ेगी, कोई साथ हो ना हो, ट्रैक मिले ना मिले, रोड मिले ना मिले, जो मिले जैसा मिले चलने दो, छोड़ो मत। अगर मैं उस टाइम पे छोड़ देता ये सोचता मेरे पास टीम अच्छी नहीं है, मेरे पास लोग अच्छे नहीं है, तो शायद मैं भी बैठा रहा था, पर बस मैं लगा रहा, पूरी एक टीम थी तब भी लगा रहा, वो सब छूट गए, मैं अकेला था तब भी लगा रहा और अब भी लगा रहा हूँ। तो लगे रहना पड़ेगा तब जाके रिजल्ट आएंगे, ऐसे नहीं कि मेरे पास ये नहीं है मेरे पास वो नहीं है, रोड़ते रहने से कुछ नहीं होता है, काम करना पड़ेगा। और अब तो इतना अच्छा मौका है, चीज़ें सामने आ रही है तुम्हारे, मैं पूरे पूरे सेशंस दिखा रहा हूँ, देखो सीखो करो यार, और कब करोगे, इससे अच्छा क्या चाहिए आपको। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करना चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमेशा से मैं बोलता रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बहुत सारा प्यार देना। बाय बाय।